ये तब से रही है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो रिलेवेंट नहीं होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो असंसदीय होते हैं, कुछ जेलिसीवश कुछ शब्दों का यूज किया जाता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें भारत के विरोध का स्वर प्रकट होता है। तो ऐसे शब्दों को तो स्पीकर साहब लोकसभा में और चेयरमैन साहब राज्यसभा में अपनी पूरी जो नियम प्रक्रिया बनी हुई है, रूल्स बने हुए हैं, कॉल और सकदर्भ के समय से भी उनकी एलोबरेट व्याख्या की हुई है, उसके आधार पर वो एक्सपेंस करते हैं। लेकिन अधीर रंजन चौधरी भी चिट्ठी लिखी है, हमारा क्या उसमें, सरकार का क्या है? अधीर रंजन जी ने भी चिट्ठी लिखी इस मामले में, लिखी होगी वो तो, जब वो राष्ट्रपति अभिभाषण पे राहुल गांधी जी बोल रहे थे तो इतना इररिलेवेंट बोल रहे थे ना, और उस समय भी ऑब्जेक्शन किया था ऑथेंटिकेट करो, तो उन्होंने कहा हम करेंगे, तो नहीं किया ऑथेंटिकेट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।